तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक नए दिन की शुरुआत नए व्लॉग के साथ। और आज है 8 सितंबर, 8 से लेके 11 तक दिल्ली बंद है, तो हम लोग भी छुट्टी मना रहे हैं। छुट्टी इन द सेंस कुछ ना कुछ तो करेंगे, पर छुट्टी है, काम से छुट्टी है। और सुबह सुबह प्रीति बना रही है ब्रेड रोल। मतलब अभी हमने 2-3 दिन व्लॉगिंग नहीं की थी, तो इस करके नहीं की थी कि थोड़ा बिजी थे, कि जितने काम थे हमने कहा वो सारे वाइंड अप कर लें, क्योंकि 3 दिन छुट्टी आ रही है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अब 3 दिन खूब व्लॉगिंग करेंगे। यहाँ पे ब्रेड रोल तैयार हो रहे हैं और मैं ना चुका हूँ। अगम को फ़ोन कर दिया, वो भी आ रहा है। तो कुछ आज कहते हैं खुराफाती करेंगे थार को लेके। उम्मीद है अगर करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, पक्की कोई खबर नहीं होती है। बट सोचा है, सोच हमेशा रखनी चाहिए। और आज हमारी एक दो अच्छी अच्छी रीलें भी बनेंगी, क्योंकि पीछे प्रीति की तबीयत ख़राब थी तो हमने रील नहीं बनाई थी, तो वो भी बनेगी। क्या बोलती भाई? हेलो, ठीक है, बनेगी। तो मस्त ब्रेड रोल बनने वाले हैं और अभी हम खाने वाले हैं। और बच्चों की चल रही है सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास। ये देखो, ये बैठ गए भाई साहब ऑनलाइन क्लास पे, और ये इतने सारे बच्चे इसके स्कूल से क्लास पे मैडम के साथ। और हमारे जेठालाल की क्लास भी चल रही है। और ये देखो क्लास क्या चल रही है, ये मोबाइल पे बैठ के वीडियो गेम खेल रही है। इसकी क्लास भी दिखाते हैं। क्लास नहीं चल रही। कहाँ की क्लास तेरी? नहीं चल रही। चल रही है बेटे, हमने कीरत की भी दिखाई है। और वो खड़ी हमारी गाड़ियाँ लाइन्स है, थार, इको स्पोर्ट और किया। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी सोनू की जो गाड़ी है वो हमने पीछे बेच दी थी उसके पीछे से, क्योंकि वो खड़ी खड़ी ख़राब हो रही थी। तो अभी सोनू ने प्लान कराया कि नई गाड़ी लेने के लिए। जब तक उसने गाड़ी नहीं आती तब तक वो अंकित की गाड़ी ले आया था, तो अंकित की गाड़ी चला रहा है। और जल्दी सोनू भी नई गाड़ी लेगा, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और ये हमारा इंटरनेट ख़राब हो चुका है पिछले 3 दिन से, इसको रिपेयर किया जा रहा है। अंदर से ठीक है तो ये हर दूसरे तीसरे दिन ख़राब क्यों हो जाता है? पक्का? तो भैया चले गए हैं, कह रहे हैं बाहर से होगी ठीक, और अभी इंटरनेट ठीक हो जाए और तब तक हम लोग रेडी हो जाएं। अगम भी आ रहा है, फटाफट 3-4 रील्स बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ये भाई साहब कभी कभी पढ़ते हैं ना, इनको देख के। कौन सी क्लास चल रही है भाई साहब? ICT में क्या होता है तेरे को कुछ समझ लिया कंप्यूटर के बारे में? तो ये हमारे लिए आ गए हैं ब्रेड रोल। भाई मैं तो तैयार हो चुका हूँ, पटका भी बांध लिया, शर्ट चंदन प्रेस कर रहा है। प्रीति को बोल रहा हूँ जल्दी से तैयार हो जा, कह रही है अभी मैं खाऊँ ना, खा के तैयार होंगी। तो अभी तैयार होएगी तो हम वेट कर रहे हैं। भाई हमें ब्रेड रोल खिला दी, अभी ये खा रही है, इसकी बारी है। हो गई प्रेस? हो गया। इतनी देर गर्म होने में आधा घंटा लगता है। तू प्रेस करने में आधा घंटा लगाता है? आधा घंटा लगाता प्रेस करने में। और आज चंदन ने ना शीशा क्या चमका दिया, आप देखो मस्त। मतलब इतने सारे धब्बे हो रहे थे, मस्त चमका दिया। कह रहा है छुट्टी है, छुट्टी के दिन कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। हैं? हाँ, वो एक निशान साफ नहीं हुआ, हमने चंदन को बुलाया, ये निशान साफ नहीं हुआ। कर वो थोड़ी ना होगा। क्यों? वो खराब है। अच्छा सुन, ये शीशा टूट जाएगा, इसको सही कर ये वाले को। इसके पीछे कुछ चिपका, ये जो बड़ा शीशे के पीछे, ये ना यहाँ से ये लूज हो रहा है, देख ये देख, तो ये टूट जाएगा। डबल टेप लाना पड़ेगा ना? ले आना या क्विक फिक्स लाके चिपका, क्योंकि जैसे प्रवनूर के रूम का शीशा टूट गया ना, ये भी टूट सकता है, गिर जाएगा। मत कर, अब इतना दबाएगा गिर ही जाए पता लगे। डबल टेप लगा, 4-5 तरफ से लगानी ही पड़ेगी। तो डबल टेप लगा, कब लाएगा? कहाँ से मिलेगा? मुझे क्या पता कहाँ मिलेगा, ढूंढ। भाभी जी को कुछ नहीं पता। पढ़ाई, पढ़ाई मोड ऑन, फुल पढ़ाई। ये देखो लेट के पढ़ाई, ये देखो। एक्चुअली ये सीन हुआ है, ये शीशा गिर गया पूरा। को यहाँ फुटबॉल खेल रही है, स्कूल खेल रही है, फुटबॉल खेलने आई है ये फुटबॉल। हाँ भाई ले आया, ये देखो कहाँ से मिली? कालापुर से। कालापुर? कालापुर कौन सी जगह है भाई? लाइट जलाना भाई, अंधेरे में कैसे आएगी वीडियो? वीडियो, हाँ वीडियो भी तो जरूरी है, चंदन शीशा रिपेयर करते हुए। अच्छा हाँ, ये अब इतनी टेप क्यों ले आया? काम आएगा। हैं? भाभी जी पैसे ज्यादा दिए तो ले आया, मतलब पैसे वेस्ट कर दिए तूने।
जितनी टेप बोलो उतनी नहीं लाएगा, उससे कई गुना ज्यादा ले आया, काम आएगा ना, काम आएगा। ये चारों तरफ लगा दियो, पीटी चल रही है भाई, पीटी पीटी होती है ये कौन सी क्लास है पीटी? हाँ डांस, तो डांस तो हो नहीं रहा, हो गया शीशा हिल रहा है, ऊपर से नहीं करेगा, ऊपर से तो हिल थोड़ी ना है, नहीं हिल रहा, सही है। ये यहाँ लगा दी टेप तूने, शीशे की लुक खराब हो गई तो क्यों खराब हो गया, बुखार देना तो खराब होगा, ठीक है, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो भाई अगम आ गया तैयार होके और इसने निकाल ली लाइटें, कहाँ गई लाइटें भाई, लाइटें निकाल ली, हैंडल निकाल ली और अब हम लोग जा रहे हैं थार के ऊपर, जो हमने सामान मंगाया हुआ था शिवम से वो मॉडिफिकेशन कराने, भाई लाइटें ये रही, पता नहीं कैसे लगेंगी, माउस लग रहा है मुझे तो गाड़ी में, लाइटें भी लगवाए और हैंडल भी आ गए हैं, हैंडल तो बड़े वाले भारी हैं, और एक चीज इसने और मंगाई है, कह रहा है पता नहीं वो आई हुई है, वो भी लगवानी है। तो अब हम जा रहे हैं, हम आएंगे 2-3 घंटे के बाद सामान वान लगवा के गाड़ी पे आराम से मजे मारते हुए, चलो चलो हमर बनाएंगे थार को। मतलब मैंने कहा था ना अगम के आते हम थार पे मॉडिफिकेशन चालू कर देंगे, और अब मॉडिफिकेशन चालू हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या कराएंगे तो हमें भी नहीं पता, बट कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। चले भाई चलो चलो, चाबी ले ली वही देख ले। तो और एक चीज आपको और बताता हूँ, हमने रील बना के डाल दी है, आप लोग रील देखते रहो और इंजॉय मारते रहो, रील बड़ी शानदार बनी है आज भी। चल जल्दी चले, शिवम को लेने आए थे पर गायें आ गई, क्या शिवम गाय, ये देखो ये भी आ गया, तू भी छुट्टी बना रहा है, है मैं? हाँ मेरे तो छुट्टी रहती है, ये भी सही है। ओ भाई सिर फूटा इसका, आया मजा, अंकल जिम नहीं ले लो आप, जिम नहीं ले लो, दिक्कत बहुत होती है इसमें, लेंगे रूबीकॉन, ये सही, ये और अच्छा है, ये सही है ना, ये सही है, रूबीकॉन लेंगे जल्दी, बैठने में आसानी रहेगी। भाई हम निकले थे घर से और बारिश चालू हो चुकी है, रेनबो निकलेगा, रेनबो तो ठीक है पर जो काम कराने जा रहे हैं वो तो हो जाए, वो शेड के अंदर गाड़ी लगाएंगे, नहीं निकलेगा तो थोड़ा बहुत करा के आ जाएंगे, वो बहुत तेज बारिश हो रही है हाँ सही में, इतनी तेज धूप है भाई, इतनी तेज धूप में बारिश, वो देखो सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, क्या गजब व्यू है, थार को बारिश में चलाने में मजा आता है, जब से कनाडा वाला इंडिया आया ना, जब से हमारा गुड़गांव बर्बाद हो गया है, बर्बाद क्या भाई, तुम्हारी गर्मी खत्म कर दी, हमारे यहाँ बारिश सर्दी सब ले आए, गर्मी हटा दी अंकल, हम कहाँ 30 डिग्री में रहते थे, कहाँ इन्हें बारिश करवा दी, बारिश करा दी भैया आते ही था भाई, जितनी बारिश हो जाएगी G20 हो रहा है, पता लगा दिल्ली में पानी भर गया उनकी गाड़ी बंद हो गई बीच में, वो बीस्ट लेके आया अमेरिका वाला, बीस्ट पता लगे पहिए थे, पहिए डूब गए बीस्ट के। और तुम्हें एक चीज पता है, दिल्ली में एक चीज और करी है, वो जितने पुलिस वाले है ना हमारे CRPF के जवान, उनको ट्रेनिंग दी है लंगूर की आवाज निकालने की, क्योंकि उस एरिया में बंदर इतने हैं, अब बंदर तो संभलेंगे नहीं, इन्होंने लंगूरों की ना वो कटआउट लगा दी है जो फ्लेक्स वाले, और उसके पीछे बंदे खड़े कर दिए जो लंगूर की आवाज निकाले बंदर वाले भाई खुराफाती है हमारे हिंदुस्तानी खुराफाती, आज तक मैंने दिल्ली इतना सजा हुआ इतना साफ नहीं देखा था, है ना, क्या दिल्ली को पूरा वाकई इंटरनेशनल बना दिया बिल्कुल, पर असल चीज है कि आप NDMC का एरिया दिखा रहे हो, कभी उनको तिलक नगर लेके जाओ, कभी जमुना पार लेके जाओ, कभी चांदनी चौक लेके दिखाओ, वो पूरी दिल्ली भी तो बताओ दिल्ली कैसी है, सेंटर का एरिया दिखा देते हैं बस, मेन वो कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस, दौलत वाली सड़क कितनी बना दी उनने, वो तो लगे पड़े थे कल बनाने में, अल्टीमेट बन गई, अल्टीमेट सड़क बनी हुई है, बनी सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है, और वो भी सड़क खड्डा ना दिखे, खड्डा ना दिखे, 6 महीने में फिर वही टूट जाती, गंदी वाली सड़क होती है भाई, पर 2 दिन में सड़क होनी चाहिए ऐसी, कर दिया उन्होंने भाई, इतने गमले लगा दिए अभी G20 के बाद लोग गमले चोरी करके ले जाएंगे देख लियो, दिल्ली में गमला लगा दिया है, या तो गमले चोरी हो जाएंगे या इन्होंने पता नहीं मतलब बिल पास कर दिए होंगे तब गमले गायब हो जाएंगे, बहुत मतलब होने वाला, ये तो होगा ही होगा। राहुल भाई आ गया, राहुल भाई को पूरा सामान हम दिखा रहे हैं क्या क्या लगाना है, ये लाइटें ऊपर लगेंगी और वो हैंडल दिखा, वो हैंडल अंदर लगेंगे, सारा ठंडी ठंडी हवा। तो अपनी थार पे काम हो चुका है शुरू, तो वो इंजीनियर राय दे रहा है सामने, वायर को साइड साइड से ले आना, छेद में छपक छेद नहीं होगा, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, उसने गया जो यहाँ पे हैंडल लगते हैं वो भी गए, उसके लिए भी
दरवाजे पे नहीं होता छेद, ये खुल के लगता है। हाँ ये देखो, ये भाई साहब को देखो। हेलो, ये इसने कूलर लग रहा है पहली बार देखा है भाई। क्या बबल फुला रहा है, कह रहा बबल फुला रहा हूँ भाई। अपनी गाड़ी की लाइटें आ चुकी हैं भाई। कहाँ है ये लाइटें है या माउस है? ऐसी चलती है देखो। ओके, कलर भी बदलती है? नहीं नहीं, वो थार के टायर देखा है। ओ भाई, ये गजब थार है, बहुत शानदार लग रही है थार ये वाली। अभी तो टेम्पररी नंबर है भाई। छत पे बैठ गया है क्या? पूजा पूजा कर रहा है यार, है हंस रहा है। और देखो ये थार कितनी प्यारी लग रही है यार, वाकई बंदे ने बनवाई है। कह रहे कि 2 लाख रुपए लगे हैं इस पे। छेद हो रहे हैं गाड़ी पे, छेद ड्रिल। ये भाई साहब चिप्स ले आए हैं, इनको वो लग रही है, भूख लग गई है। खाना खा के तो आया था, फिर भूख लग गई तुझे? और वहां पे देखो पेप्सियां पी जा रही है। हमारा काम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग हो गया है क्योंकि इस पे उन्होंने 2 बिट लेके आए हैं अभी तक, और दोनों बिट टूट गई है। अब इसकी स्टील की बिट आ रही है, स्टील की बिट आएगी फिर गड्ढा होगा, फिर लगेगा। जल्दी कर दे भाई, 2 मिनट में करा भाई। मशीन फेल हो गई, ड्रिल मशीन। अब ये इससे कर रहे हैं हथौड़ी से, मशीन से, ड्रिल मशीन से पूरी कुश्ती लड़ ली। नहीं हो रहे हथौड़ी काम आई, देसी जुगाड़। यहाँ पे देसी जुगाड़, वहाँ से फंसा दिया, यहाँ से निकाल रहे हैं, पर उम्मीद नहीं है अभी। ये अपने देसी जुगाड़ ही बेस्ट है। मशीन मशीन बेकार चीज़ है ना, ये बेस्ट है। कह रहे देसी जुगाड़ से करेंगे, मशीन भी यूज होगा, मशीन से तब भी काम नहीं होगा। देसी जुगाड़ बिल्कुल बेस्ट रहा, दोनों छेद हो गए। और वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे लगा दिए मशीन ने। ये और ये लग गया अपना स्विच, इसको ऐसे करो तो बाहर की लाइटें जलेंगी। ओ कितनी देर है भाई, 5 मिनट करते करते 2 घंटे लगा दिए। हाँ भाई, तुम्हारी कुछ उम्मीद है भाई? अरे ये देसी जुगाड़ ने काम किया ना, मानता है ना देसी हम, तो फिर क्यों फिर जाते हो उस पे? इस पे 2 घंटे लगाए और वो 5 मिनट में हो गया। तो भाई ये लाइट जल के देखो क्या लग रही है, वाह सही लग गई लाइट। हैंडल भी तो ओके होने चाहिए, पक्का मजबूत है। उसे 3 फीट तोड़ने के बाद देसी तरीके से ही काम किया है। ये पत्ती लगवा ली अब हमने, इस पे डंडा भी लगवाएगा अभी। ओके राहुल भाई, धन्यवाद, चलो। हाँ ये देखो ये ले आया है, इसने जाना है कॉलेज ये लगा के। चलो गाड़ी चला, चल भाई पीछे। शिवम कह रहा मैं चलाऊंगा। अरे नहीं, राहुल ने ना बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसके पास आओ तो मस्त सारी चीजें लगा दी इसने। और अब बड़े सही लग रही है ये चढ़ने के लिए ना, बुड्ढों को चढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होगी। चाची को चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं यार, थक गए, गर्मी बड़ी है। लाइट जलाई होगा हम, ओह भाई क्या सही लग रही है। तो अब हम लोग तो उतर गए हैं, शिवम और अगम दोनों जा रहे हैं राउंड मारने के लिए। वो गिरेगा। अरे तो अपने ड्राइवर की तरफ मना कर। चलो भाई चलो, हैंडल बड़े सही लग रहे हैं भाई, इसको पकड़ के उतरना पड़ेगा। मुझे तो लगता है किसी के माथे पे ना टकरा जाएंगे। चलो ये भाई साहब तो घर आते ही लेट गए हैं, और प्रीति शायद ऊपर गई हुई है। और अपना प्लान भी कुछ ऐसा ही है, जरा 10-15 मिनट लेटते हैं, आराम करते हैं। बट यार थार ना क्या लग रही है, क्या ही बताएं आपको, मतलब मजा आ गया। प्रीति, ओ प्रीति जल्दी आते हो, गाड़ी दिखाऊं। चल आ रही। तो प्रीति आ गई है और थोड़ी सी अभी लंगड़ा के चल रही है। इसको मैंने बुलाया कि यार देखो पहले गाड़ी दिखा दूँ, गाड़ी दिखा देता हूँ इसको। एक्चुअली इसको चढ़ने में गाड़ी में ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो स्पेशल इसी के लिए वो हैंडल मंगवाए थे हमने जो लगवाए हैं। अब ये हैंडल देख लेगी, ओके लगेंगे कि नहीं लगेंगे ये नहीं पता, जल्दी जल्दी देख रही। चल मौसम क्या बढ़िया हो रहा है, बारिश वाला। ले इधर से बैठ के देख ले, एक ही बात है, बैठ हैंडल देख, बैठ अब पकड़ के बैठ। वैसे तेरे वजन से नीचे ना आ जाए हैंडल भी। अरे ट्राई तो कर। अरे नहीं नहीं पागल, बहुत पक्के हैं।
हाँ तू एक बार चढ़ के तो देख उस पे, चल लाइटें देख, लाइटें देख, लाइटें जली नहीं, नहीं हुई ऑन। इसको गाड़ी की चाबी दे, हैं? ऑन कर लाइटें, ये देख भाई सही लग रही है। लाइट ऑन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? चंदन लाइट लग गई, देख चाबी दो, लाइट लग गई है इस पे, आ गए, हैंडल भी लग गए, हैंडल सही लगे हैं, देखिए अले अबे हैंडल अंदर देख अंग्रेज, ये देख हंस रहा है। भाभी जी को क्या फायदा हुआ? हैं? देखती रखता। भाभी जी को क्या फायदा हुआ? भाभी जी बोला मैं तो पैर रखने वाला नीचे लगाने वाला था। वाह नहीं लगाना, यही पकड़ने वाला लगाया भाभी जी। पैडल लगाना था, पैडल आपने बोला था ना? मैंने हैंडल बोला था भाई, वो पैडल वैसे भी पकड़ को थोड़ी निकाल पाऊंगी। ये गाड़ी स्टार्ट, ओए गाड़ी स्टार्ट कर रहा है बेवकूफ, लाइट जला, देख भाई चंदन लाइट जल गई। और तो रात में दिखेगा लाइट, दिन में दिखेगा कैसे? तू भी ना, तू भी पागलों वाली बात करता है। चलाना मैं दिल्ली में लाइट चालू कर दूँ। इंडिया में कौन पैदा हो गया जो मेरा चलान करेगा? मुझे रूल तो रूल होते हैं ना, मुझे चलान होता है ना, तब पुलिस वाले को क्यों फोन करना लगता है जब चलान होता है तो फिर क्या होता है उसके बाद? क्या होता है? छोड़ देता है, छोड़ देता है ना, फिर ये तो स्वैग है भाई अपना। चलो भाई भाई, अब अपन इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको इंजॉय आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो तब भी कर लो कोई बात नहीं, हम तो व्लॉग इसी तरह ही बनाएंगे। और आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और खूब शेयर कर दो। टिल देन टाटा, बाय 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 और टेक केयर।